नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरिहंत एक और वीडियो लेकर आ गया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सीए प्रिपरेशन में मदद करने के लिए। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम की पढ़ाई एकदम रॉकिंग चल रही होगी दोस्तों, जोश हाई होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सब फेस करते हैं दोस्तों, वो है पढ़ाई के वक्त नींद की बीमारी। जी हाँ दोस्तों, आपने ही नहीं, मैंने ही नहीं, ऑलमोस्ट आई थिंक सारी दुनिया के स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि कैसे पढ़ते पढ़ते सोने से खुद को बचाएं। और होता यह है जब स्पेशली हम सीए जैसा कोई सिलेबस पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर थियरी इतनी ज़्यादा है, तो नींद आना एकदम एकदम लाजमी है। बहुत सिंपल येट बहुत अफेक्टिव टिप्स देने वाला हूँ दोस्तों मैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, थोड़ा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से भी। एक ऐसी चार टिप्स दूंगा आपको जो आपको मदद करेगी नींद को दूर भगाने में और पढ़ाई पर फोकस करने में। सबसे पहली टिप दोस्तों ये है कि जब आप उठते हो तो हमारी आदत क्या होती है, 5 मिनट स्नूज बटन, 5 मिनट और सोते हैं, 5 मिनट और सोते हैं। वो 5 मिनट कब 3 घंटे बन जाते हैं, वी आर क्लूलेस। एंड जब हम उठते हैं 4 बजे की जगह 7 बजे, अपना माइंड ऑलरेडी टेंशन में रहता है कि यार 3 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, हम पैनिक मोड में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अलार्म को दूर रखिए, ठीक है, अपने बेड के पास मत रखिए, उसको थोड़ा दूर रखिए। आप वहां पर चल के जाओगे, जैसे ही आप अपने पलंग से उतरोगे आपकी आधी जो लेजीनेस है वो अपने आप मिट जाएगी। जाकर उसे ऑफ करो इमीडिएटली, स्नूज मत करो, वापस आकर मत सो, ऑफ करो, बाथरूम में जाओ, अपने मुंह पर ठंडा ठंडा पानी मारो आंखों पर, आपकी नींद सब गायब हो जाएगी। विद इन 5 मिनट्स यू विल फील वेरी वेरी फ्रेश, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ये है आपकी पहली इंपॉर्टेंट टिप। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, ऑल्टरनेट बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अगर आप सोचोगे कि मैं ऑडिटिंग या लॉ 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने वाला हूं, तो वो कभी नहीं होने वाला है दोस्तों, आपको नींद बीच में आनी ही आनी है। थियरी जैसे ही आपको थोड़ा लगे 1-1.5 घंटे बाद बोर मार रहा है, स्विच टू अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एंड जब आप थियरी पढ़ रहे हो तो पलंग पर बैठ के, इनफैक्ट इवन अगर प्रैक्टिकल कुछ सम्स कर रहे हो तो पलंग पर बैठ के मत कीजिएगा। जब आप थियरी पढ़ रहे हो तो घर में बुक लेकर घूमते घूमते पढ़िए, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो अच्छे से एक टेबल कुर्सी पर अच्छे पोस्चर में बैठ कर उसको प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप जब आपका पोस्चर सही रहेगा आपकी आधी नींद भाग जाएगी। तीसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टिप ये है दोस्तों, जो लाइटिंग आप अपनी आंखों पर स्ट्रेस डालते हो दिन भर, उसको मिनिमाइज करें। मतलब क्या, जो आप स्क्रीन्स देखते हो, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, उसको देखना कम करें। सेकंड चीज, जो लाइटिंग है डिम लाइटिंग में या एक्स्ट्रा ब्राइट लाइटिंग में कभी मत पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आपकी आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है। जैसे ही आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है आपको आपकी आंखें थकने लगती है, नींद आने लगती है, प्लस हेडेक होने लगता है। सो अवॉइड लुकिंग एट द स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम एंड अवॉइड स्टडिंग इन डिम लाइटिंग या फिर एक्स्ट्रा ब्राइट लाइटिंग। एक अच्छी नॉर्मल ट्यूबलाइट की जो लाइट होती है उसके नीचे आप बैठकर पढ़े तो आपका फोकस बना रहेगा, आपकी जो आईज है वो स्ट्रांग रहेगी। दोस्तों चौथी और एक और वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो हम अक्सर भूल जाते हैं या अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है आपका फूड इनटेक। जी हाँ दोस्तों, सबको मालूम है कि फूड इनटेक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग कि आप ना सोएं। चावल, दही के कुछ भी आइटम्स जैसे दही, बटर मिल्क, लस्सी, शुगर, ये सब अवॉइड करें। ये सब अगर आप अवॉइड करोगे तो अपने आप आपको नींद नहीं आएगी, स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर लंच या फिर इमीडिएटली आफ्टर डिनर। दोस्तों हाई ऑन प्रोटीन फूड्स खाइए, एप्पल, बनाना, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल्स, वो सब खाइए, चपाती खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो आपको एनर्जी भी देगी प्लस आपको सोने पर मजबूर नहीं करेगी। जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, जो उसमें विटामिन्स होते हैं, वो आपको एक्टिवेट करेगी। हालांकि मैं ये वाला टिप बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता, बट अगर आप लोग चाय या कॉफ़ी पीते हो तो वंस इन अ वाइल ड्रिंकिंग सम टी और कॉफ़ी विल ऑल्सो हेल्प यू स्टे अवेक अ लिटिल एक्स्ट्रा लॉन्ग। मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता दोस्तों, इसलिए आई विल नॉट रियली सजेस्ट या आई नॉट रियली रिकमेंड इट टू यू, बट अगर आप यूज टू हैं चाय कॉफ़ी के तो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बट काफ़ी सारे लोग दोस्तों रेडबुल पियेंगे या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक पियेंगे ताकि वो लोग जगे रहे, प्लीज़ डू नॉट डू दैट, इट इज़ फर्स्टली वेरी हार्मफुल एंड सेकेंडली वो एकदम मतलब नकली तरीके से आपको नींद आने से रोकते हैं एंड थोड़ी देर बाद और ज़्यादा आप डल फील करने लगोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा खाना खाएं, फोकस रखें। एंड दोस्तों अगर मन में हौसला रहेगा, मन में अगर मोटिवेशन रहेगा कि मुझे सीए एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो फिर आपको नींद आएगी नहीं, इनफैक्ट कुछ भी और ख्याल नहीं आएगा, बस दिल में पढ़ाई रहेगी।
उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये मैंने जो भी कहा। पाथवे टू सीए इंस्टाग्राम चैनल है दोस्तों मेरा, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है अभी नया नया, वहां पर भी जुड़े आप लोग, वहां पर भी मैं काफी सारे अच्छे अच्छे पोस्ट करूंगा धीरे धीरे आते आते। तो पाथवे टू सीए अगर आप टाइप करोगे इंस्टाग्राम सर्च में, आपको मेरा चैनल सेम आइकॉन जो यूट्यूब पे है उसके साथ दिख जाएगा। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल।